मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। ये है गुड वाइब्स का नीम तुलसी जेल। अब नीम तुलसी है तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन से पिंपल को दूर करेगा, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेज पे काम करेगा, तो ये सारे काम ये जेल करता है। और क्योंकि ये गुड वाइब्स का है तो पैराबेन सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री है। पैकेजिंग की बात करूँ तो ऐसा इसके सारे जेल्स ऐसे ही पैकेजिंग में आते हैं, 2 या 3 साइजेस में अवेलेबल है। और पर्पल से आप इसको परचेज करते हैं तो काफ़ी अच्छे ऑफर चल रहे हैं। अभी आपको Y2 Get 2 फ्री मिलेगा, Y3 Get 3 फ्री मिलेगा। तो मैं बहुत सारे जेल्स का रिव्यू कर चुकी हूँ, आप पर्पल की साइट पे जाके बिल्कुल उनको परचेज करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। क्योंकि ये जेल है, कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ये थोड़ा सा थिक जेल है और ग्रीन कलर है, फ्रेग्रेंस भी है और फ्रेग्रेंस माइल्ड नहीं है, थोड़ा सा तेज है और लाइट वेटेड ही मुझे नहीं लगा। थोड़ा सा थिक है पर जब आप अपने फेस पे इसको लगाएंगे तो ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। कम क्वांटिटी लगती है इसको लगाने के बाद, फेस ऑयली भी नहीं लगेगा और चिपचिप भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको यूज़ कैसे करना है, फेस वॉश कर लीजिए, इसके बाद एज अ मॉइस्चराइजर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाइट में भी नाइट क्रीम के जैसे, डे क्रीम के जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि आपके स्किन से दाग धब्बे, पिंपल की प्रॉब्लम को दूर करेगा। तो जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको आपके दाग धब्बों पर थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ सकता है। ये एकदम से काम नहीं करेगा, जब आप इसको लंबे टाइम तक रेगुलर यूज़ करेंगे तब ये काम करेगा। और ऐसे ही एक्ने पे, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो ये आपके दानों को बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है एक्ने प्रोन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए। क्योंकि ये जो भी पिंपल्स हैं उनकी प्रॉब्लम को बढ़ाता नहीं है, जब आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके पिंपल्स भी कम होते नज़र आएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको एक्ने ट्रीटमेंट में यूज़ करें कि आपको भर भर के दाने हैं वो ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सारे स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छा मॉइस्चराइजर है बिल्कुल, आप इसको यूज़ करके देखिए। और काफ़ी अफोर्डेबल है, ईजिली अवेलेबल है, तो बिल्कुल एक बार आपको यूज़ करके देखना चाहिए। और इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई केमिकल्स यूज़ नहीं किए गए हैं, इसमें भर भर के केमिकल्स भी यूज़ किए गए हैं, पर मुझे केमिकल से या फिर कलर से, फ्रेग्रेंस से इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, इतना क्या बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता है। पर अगर आपको कलर से प्रॉब्लम है, फ्रेग्रेंस इसकी थोड़ी सी तेज है उससे प्रॉब्लम है, केमिकल से प्रॉब्लम है, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। नहीं तो ये काफ़ी अच्छा है और आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, मेरी स्किन को तो सूट करता है। तो बिल्कुल आप एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हो, परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।